हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतिहास की जो सीरीज हमने चला रखी है, वीडियो में मैं आपको इंडिया हिस्ट्री की जो हम सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज की पांचवी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। उससे पहले मैं चार वीडियो यहां अपलोड कर चुका हूं भारतीय इतिहास की, ठीक है। आप उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और मेरा जो उद्देश्य है कि मैं जल्द से जल्द जो है कुछ वीडियो में ही भारतीय इतिहास को कवर कर लूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये जो वीडियो अपलोड की है, इन वीडियो में मैंने अधिकतर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं बनती है। यदि आप किसी भी लेवल के एग्जाम को दे रहे हैं और उसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पैटर्न आपके सामने आता है, तो उसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ वन लाइनर आंसर लिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। तो ये मैंने इतने इम्पोर्टेंट कई बुक की जो सहायता से ये मैंने एकत्रित किए हैं, तो इसमें जो है इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो मेरी आपसे निवेदन है, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की प्रतीक्षा में है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो में आपको मौर्य एम्परर और चंद्रगुप्त और बिंदुसार और अशोक और उसके शिलालेख के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो भारतीय इतिहास की वीडियो में है। जो हमने मौर्य साम्राज्य से पहले का जो इतिहास है वो मैं वीडियो नंबर 4 में और उनसे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। अब हम इस वीडियो नंबर 5 में जो है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक और उसके शिलालेख, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अधिकतर जितने भी एग्जाम है SSC से लेकर के आप UPSC का अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बाहर नहीं आने की संभावना है, ठीक है। मैंने बहुत डीपली इसमें क्वेश्चन लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको हरा करके इसने 322 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सिकंदर के लौट जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो परामर्श मंत्री चाणक्य को बना रखा था, तो उसकी मदद से वह पंजाब में अराजकता का फायदा उठाकर, यानी कि पंजाब में किसका शासन था, सिकंदर का था, और जो जब सिकंदर यहां से लौट चुका था तो पंजाब में अराजकता फैल चुकी थी, तो वहां पर इसने अराजकता का फायदा उठाकर वहां का ये सम्राट बन गया, ठीक है। जो जस्टिन हुए हैं, जस्टिन ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, ठीक है। जस्टिन के अनुसार इन्होंने जो पहचान दी है ना, इन्हें कहा है सेंड्रोकोटस, और इसकी पहचान जो विलियम जोन्स ने दी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में दी है, ठीक है। जो इतिहास के जितने भी शिलालेख पढ़े गए हैं या जो भी जो स्रोत थे इतिहास के उन्होंने पढ़ा गया है, तो अलग अलग जो इतिहासकार थे उनके अलग अलग मत थे, ठीक है। किसी ने कुछ कहा है, नाम इनके अलग अलग दिए हैं, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कौशल के जो राजा थे प्रसन्नजीत, ठीक, मगध का राजवैद्य जीवक और कौशल का राजा था प्रसन्नजीत, और सुप्रसिद्ध राजनीति जो शास्त्र के ज्ञाता थे चाणक्य, और बौद्ध विद्वान थे वसुबंधु आदि, यही जो है इन लोगों से शिक्षा प्राप्त की थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ये इनके एक तरीके के जो शिक्षक मान सकते हैं आप, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, चाणक्य कोटले। देखिए, नाम इसका अर्थशास्त्र है, मगर इसमें जो है राजनीति शास्त्र की बात करी गई है, अर्थात ये राजनीति के ऊपर पूर्ण रूप से बनी पुस्तक है। तो ये जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कोटल्य, ये एक ही बात है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा है, बता चुका हूं मैं आपको। और जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयायी था, अर्थात जैन धर्म को मानने में विश्वास रखता था, उनकी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखता था। और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जो समय बिताया था वो स्वर्ण वेलगोला जो नामक स्थान है वहां पर बिताया था। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सेल्यूकस निकेटर जो था वो राजदूत था सिकंदर का, ठीक है, राज सिकंदर का मंत्री था, सिकंदर का जो सेनापति था उस समय, तो ये सिकंदर से संबंधित है। तो इसने जो है चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में इसको हराया था, ठीक। तो बाद में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर चंद्रगुप्त के जो अन्य नाम है, देखिए सेंड्रोकोटस इसका नाम है, स्ट्रेबो के अनुसार, और एरियन और जस्टिन, ये स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये जो है इतिहासकार हुए हैं इनके अनुसार तो इसको सेंड्रोकोटस कहा गया है, और एंड्रोकोटस प्लूटार्क के अनुसार कहा गया है, प्लूटार्क है उनके अनुसार एंड्रोकोटस कहा गया है। और जो चंद्रगुप्त है वो जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है, इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक। तो चंद्रगुप्त ने 305 का युद्ध जीतकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। ये 305 का युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से, और उसे जीत करके ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया, और सेल्यूकस निकेटर भी एक यूनानी था। उसके बाद इसने क्या किया, जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उससे विवाह कर लिया चंद्रगुप्त ने, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगनस्थीज, जो मेगनस्थीज था ये एक पुस्तक लिखने वाला कवि भी था और ये राजदूत भी था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है इसे चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। जो मेगस्थनीज था उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी, इसी पुस्तिका में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण जीवनकाल का वर्णन मिलता है, अर्थात उसके द्वारा जितने भी युद्ध हुए हैं उसके जो इतिहास का इस तरीके का स्रोत माना गया है इस इंडिका में, ठीक है। इसमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक। तो चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, और जो मेगनस्थीज के अनुसार अगर उसकी इंडिका पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो पाटली पुत्र को पहले पालिब्राथा नाम दिया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे, कौन कौन से, अश्व सेना थी उसमें, और हस्तिना सेना थी, पैदल सेना थी, और नौ सेना थी, रथ सेना थी, और सैन्य सहायता एक विभाग साथ होता था उनके सेना के, ठीक है। विभाग के जो अध्यक्ष को आमत्य कहा जाता था, तो भरतबाहु को ये अपना गुरु मानता था, ठीक। तो मेगनस्थीज की जो पुस्तक थी इंडिका, इसके अनुसार चंद्रगुप्त की जो सेवन वो अति संवेदनशील था, हर समय अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेर रखता था, खाने की जांच करवाता था, उसके बाद ही वो खाना खाता था, ठीक है। मनोरंजन के लिए उसके अजीब गरीब शौक थे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार, ये हमारी वेबसाइट है www.msknowledgehub.com, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, वहां से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए मैंने ऑल PDF डाउनलोड किए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की PDF मैं जल्दी डालने वाला हूँ इस पर, और गवर्नमेंट स्कीम के लिए मैंने यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए जो स्कीम आती है वो यहाँ पर अपलोड की हुई है, और स्कॉलरशिप न्यूज में अपलोड करता रहता हूँ। उसके साथ हमारी जो यहाँ न्यूज का पोर्टल है ये, इसमें हम स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके बारे में यहाँ अपडेट में देता रहता हूँ, और GK से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं जैसे कंप्यूटर, SST, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, GK, इसकी सबकी जो है मैंने एक पोस्ट बनाई हुई, अर्थात आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप वीडियो से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल पे बने रहिए, ठीक है। यदि आपको पढ़ना है या इनके नोट्स बनाने हैं तो आप हमारे जो वेबसाइट है यहाँ पर आकर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपको जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो चाहिए, या यदि आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं या उनकी PDF चाहिए, तो आप हमारे यहाँ से करंट अफेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इस पर लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और जो अब समय वर्तमान में जो न्यूज चल रही है जैसे कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी न्यूज है, या हेल्थ लाइफ से जो संबंधित है, या बायोग्राफीज हैं जो बड़े प्रसिद्ध लोगों की बायोग्राफी है, या जो भी करंट टॉपिक चल रहे हैं, वो सबकी मैं यहाँ पर जो पोस्ट बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आपसे एक निवेदन है, यदि आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और यहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। ये भी मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इसी वेबसाइट से बना रहा हूँ, और इस वेबसाइट पर ये है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं या इसका PDF लेकर के आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और ये हमारे भिन्न प्रकार की जो कैटेगरी है आप यहां से भी डायरेक्ट भी इन पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो जो थी मेरी वो मैंने आपको बताया, वो राइज ऑफ मगध अर्थात मगध का उदय, अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, और जो भारतीय प्राचीन भारतीय जो धर्म थे, ठीक है, उसमें ईसाई धर्म है, सेव धर्म है, इस्लाम धर्म है, इन सब के बारे में मैंने उसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप यहाँ से आकर के इस वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारी वीडियो नंबर 4 को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो नंबर 4 में ये सब बताया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बिंदुसार की। तो देखिए बिंदुसार जो है, अब कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 298 वर्ष पहले उनकी मृत्यु समवेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी, ठीक है। समवेलगोला में इनकी मृत्यु उपवास के दौरान हो गई थी, और यही इन्होंने अपना अंतिम समय भी बिताया, ठीक। अब बात कर लेते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार का जो शासन चला वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक चला, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, और ये 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया था, ठीक। उसके बाद यूनानी लेखक जो बिंदुसार को अमित्रकोटस या अमित्रघात के नाम से भी इसे जानते हैं या उसका वर्णन करते हैं। वायु प्राण में बिंदुसार को भृतसार कहा गया है, ठीक है, वायु प्राण में बिंदुसार को भृतसार कहा गया है। एथेनियस के अनुसार जो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीकोटस से एक मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, बौद्ध विद्वान थे तारानाथ,
ठीक है, बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे उन्होंने जो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है कि इन्होंने 16 राज्य जीत लिए थे। ठीक, उसके बाद है बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला का विद्रोह भी बिंदुसार के समय में हुआ था। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक को और सुसीम को भेजा था। अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो इसने अशोक और सुसीम को वहां पर भेजा था तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए। चीनी विवरण के अनुसार जो बिंदुसार का नाम बिंदुपाल बताया गया है और बिंदुसार जो था आजीवक धर्म का अनुयायी था और पिंगल वत्स नामक आजीवक धर्म बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक है, नामक जो आजीवक विद्वान था वो बिंदुसार के दरबार में रहता था और बिंदुसार ने दो समुद्रों के बीच की भूमि में समेत 16 राज्यों को जीत लिया था। इसका वर्णन मिलता है और ये बात बताई गई। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो इसका पुत्र अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम कौटिल्य जी के बारे में। तो देखिए, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, बात एक ही है, ये एक बहुत अच्छे राजनीति विशेषज्ञ थे और इन्होंने कई सारी पुस्तक भी अपनी लिखी है जैसे अर्थशास्त्र, और ये जो है तीन राजाओं का शासन इन्होंने देखा है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, चाणक्य ने तीन मौर्य राजाओं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीन जो है राजा पोते, इन तीनों का इनने जो है शासन देखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भी ये थे, बिंदुसार के शासन में भी रहे और अशोक के शासन में भी ये रहे। ठीक है, अर्थात एक महामंत्री के रूप में इनके साथ इनकी सेवा करते थे के राज्य का जो संचालन किया इन्होंने इनके इन राज्यों के, और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की रचना की थी और चाणक्य के पिता का नाम था चाणक्य। अब बात कर लेते हैं द ग्रेट अशोक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अशोक की। तो अशोक का जो शासन चला वो 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व चला। तो अशोक का जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था अशोक। जो अभिलेख है अशोक के उसमें इसे देव नाम पर भी कहा गया है, से संबोधित करा गया है। तो पुराणों में जो अशोक को अशोक वर्धन नाम से भी जाना जाता है। दो नगर इसके बसाए हुए हैं, एक श्रीनगर और नेपाल में ललित पतन। ठीक, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब ये उसमें राजगद्दी पर बैठा 269 ईस्वी में तो उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। और मास की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु जो बराबर की पहाड़ियां थी उनके राज्य में तो चार गुफाओं का निर्माण कराया और जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक की जो माता का नाम वो सुभद्रांगी था। अब अशोक के जो अन्य नाम है, देखिए अशोक को मौर्य, अशोक मौर्य कहा गया है गिरनार अभिलेख में, और अशोक वर्धन कहा गया है पुराण में, और प्रियदर्शी कहा गया है भाब्रु अभी जो शिलालेख थे उसमें, और अशोक को जो अशोक कहा गया है मास की गर्जरा नेत्तूर उद्गोलम अभिलेख। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कलिंग विजय के विषय में। तो देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का शासक नंदराज था जो हाथियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी और कलिंग की राजधानी तोसरी थी। और कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने भेरी घोष त्यागकर धर्म घोष अपनाया, क्यों अपनाया था? क्योंकि कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा था और उसने भविष्य में अहिंसा की नीति का अपना लिया। अर्थात उसने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और उसने अपना जो है धर्म घोष अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भगवान शिव का पूजा करता था, अर्थात उन्हें मानता था। उसके बाद अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। असंधिमित्रा और कारुबाकी जो अशोक की पत्नियां थी, कारुबाकी के पुत्र का नाम था तीवर था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अशोक की एक अन्य पत्नी भी थी जो नागदेवी थी, उसे विदिशा से ये लाए थे, इन्होंने शादी करके विदिशा से, और उनसे जो उत्पन्न पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा था जिन्हें इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अब अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत जो है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो इनके मुख्य सिद्धांत थे वो था बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार रखना, सत्य भाषण देना, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सत्य, शुभ कर्म और धार्मिक सहनशीलता। ठीक, ये इनके 9 ऐसे। अब देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन और उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों और जो गुफाओं पर राज्य आदेश खुदवाए, यानी कि जितने भी राज्य से आदेश आते वो खुदवाए। और इसमें तीन प्रकार से थे, एक तो शिलालेख थे, एक स्तंभ लेख थे और गुफा लेख थे। तो जो शिलालेख थे उसमें जो है अशोक की जो धार्मिक यात्रा, जो धर्म के नियमों और अहिंसा की जो नीति के विषय में लिखा गया है, ये 14 शिलालेख हैं, 2 लघु शिलाओं वाले जो राजदेश हैं और 2 कलिंग राजदेश हैं, एक भाबरू राजदेश है। ठीक, अब स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख 3 प्रकार के थे, एक तो 7 स्तंभ राजदेश थे, लघु स्तंभ राजदेश थे और तराई के स्तंभ राजदेश थे या लेख थे। ठीक, उसके बाद गुफा लेख है, तो गुफा लेख में जो है
जो गया के पास की बराबर की जो पहाड़ियों की तीन गुफाओं के दरवाजों पर मिले हैं। और अशोक के प्रमुख शिलालेखों के विषय में जान लेते हैं। देखिए अशोक के जो है 14 शिलालेख हैं, इसमें से जो मैं अभी आपको तो सभी बता रहा हूँ, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है बीच में बताता चलूँ। देखिए सबसे पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पहला शिलालेख जो था। दूसरे में जो है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था और विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में। और तीसरा शिलालेख में मिलता है राजकीय अधिकारियों द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य भ्रमण आग्रह करना। और जो फोर्थ नंबर का है, जो चौथा शिलालेख है, उसमें भैरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा करना, ठीक है। यहाँ इन्होंने अपना परिवर्तन कर लिया था, मन परिवर्तन इसका उद्देश्य इसमें था। धर्म महापात्रों की नियुक्ति करना जो 5वें शिलालेख में, छठे शिलालेख में इसमें आत्मा नियंत्रण की दीक्षा दी गई है, ठीक। सातवां जो शिलालेख अशोक का, उसमें अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता बताई गई है। और जो 8वां शिलालेख, उसमें बोध गया की यात्रा का उल्लेख और बिहार यात्रा के साथ धम्म यात्रा के प्रतिपादन का उल्लेख मिलता है। 9वां जो शिलालेख है, उसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां जो शिलालेख है वो है राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित की सोचे, ये 10वां शिलालेख में कहा गया था। जो 11वां शिलालेख था, उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वां जो शिलालेख है, उसमें धार्मिक सहसंहिता पर जोर देकर स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की गई है, नियुक्ति के विषय में बताया गया है इसमें 12वें शिलालेख में। जो 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में, तो इसमें ऐसे पूछ लिया गया तो कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है या 13वें शिलालेख में क्या मिलता है। तो देखिए इसका एक ही आंसर है कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना के बारे में पता चलता है। जो आपका 4-3 है, 14वां जो शिलालेख था, उसमें पहला जो 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन रिविजन बताया गया है और जनता को धार्मिक जीवन जीने के प्रति जो प्रेरित किया गया है, ठीक। ये 14 शिलालेख है, इन्हें आप सभी को पढ़ लीजिएगा, जो है मौर्यकालीन शिलालेख। तो देखिए मौर्यकालीन जो शिलालेख थे, उसमें आपके सावाजगढ़ी जो इसका वर्ष था 1836 में, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। फिर था मानसेहरा, ये 1889 में और लिखा गया था, इसकी लिपि भी क्या थी, खरोष्टी। और फिर धोली है, ये 1822 में ब्राह्मी। देखिए मैं यहाँ आपको बता दूँ, इसके 2 शिलालेख थे, सहावासगढ़ी और मानसेहरा। ये 2 शिलालेख तो केवल खरोष्टी लिपि में लिखे गए और अन्य जितने भी शिलालेख हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो देखिए अन्य में कौन है, जैसे धोली है 1822, कालसिया 1837, जौनगढ़ है 1850 और सोपरा है 1882, अरागुड़ी है 1916 और गिरनार है 1822, ठीक है। तो ये धोली और गिरनार 1822 से, गिरनार 1822, तो ये सब जो है आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बस 2 हैं जो सावाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए। अशोक के स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं, तो देखिए अशोक के जो स्तंभ लेख थे, वो प्रयाग स्तंभ लेख था, ये इलाहाबाद में है, वो दिल्ली टोपरा दिल्ली में है, और दिल्ली मेरठ भी दिल्ली है, और रामपुरवा ये चंपारण बिहार में स्थित है, और जो लोरिया नंदनगढ़ है ये चंपारण बिहार में है, और लोरिया अरे राज जो है ये भी चंपारण में स्थित है, ठीक। अब अशोक के शिलालेख से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और जो कांधार जो अभिलेख है वो 2 भाषा, ग्रीक और अरामाइक भाषा में भी लिखे गए हैं। इलाहाबाद का जो स्तंभ जो लेख है, उसमें कौशाम्बी से लाया गया था, और इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर ने भी बाद में अपने जो अभिलेख लिखवाए थे। और बृहत जो शिलालेखों की संख्या है वो 14 है, मैंने आपको बताया। स्तंभ लेखों की कुल संख्या वो 13 है, जो 10 स्तंभ पर अंकित है। प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा जो 13वां शिलालेख है, और 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर स्तंभ लेखों में बात करी जाए तो 7वां स्तंभ लेख जो है वो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, और शिलालेखों में बात करी जाए तो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। देखिए अशोक की जो शिलालेख की खोज हुई थी वो 1750 में हुई थी, और ये खोज जो करी थी पोद्रेटी फेंथरियल ने की थी। और राज्य सेविक से संबंधित अगर मास की जो लघु शिलालेख है, उसमें अशोक के स्वयं को बुद्ध शाक से कहा है, ठीक, बुद्ध शाक के कहा है, अर्थात बौद्ध धर्म से उन्होंने अपने आप को जोड़कर बताया है। भाबरू जो अभिलेख है अशोक का, वो सबसे लंबा जो शिलालेख है या अलेख है, और बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000, जो बौद्ध परंपरा है वो अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अब मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि मौर्य प्रशासन मतलब कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी है, बिंदुसार भी है और अशोक भी है, तो इनके प्रशासन कैसे। देखिए मौर्य शासन जो 137 वर्ष तक चला, ठीक, और सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को सबसे पहले यहाँ मिलता है। और राजाओं में जो राजा होते थे वो निरंकुश नहीं होते थे, अर्थात उन पर अपना एक अंकुश होता था, वह निरंकुश राजा नहीं थे।
कौटिल्य ने जो है राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये जो 7 अंग थे किसी भी राज्य के या राज्य के साथ में जो 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो तीर्थ कहा जाता है, इनके अध्यक्ष को महापात्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो गोप थी, ठीक, और जो 10 गांव का शासन संभालता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक तो था कंटक शोधन, ये फौजदारी न्यायालय था, और एक था धर्मस्थी, ये दीवानी न्यायालय था। महापात्र और नगर न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार अगर कानून के प्रमुख अंग देखे जाए तो वे 4 थे, एक था धर्म, चरित्र, व्यवहार और शासन। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक संस्थागत, ये एक जगह से ही अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, और एक संचार वाले, जो घूम फिर करके जो गुप्तचरी करते थे। स्त्री गुप्तचर भी इसमें वर्णन किया गया है। और मौर्य काल में चांदी की जो आहत मुद्राएं चलती थी, जिन पर मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की मोहर होती थी। प्रांतों का जो पश्चिम बताया गया, प्रांतों का एक प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था, अर्थात कोई भी प्रांत है उसका जो प्रशासक था उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कह देते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे, ठीक। शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, और उसका जो मुखिया ग्रामीण कहते थे। बिक्री कर के रूप में यहाँ 10वां भाग वसूला जाता था, और निजी खेती अगर कोई करता है तो उसे राजा को 1/6 का भाग देना होता था, ठीक है। यदि उसने 6 क्विंटल अनाज उसमें उगाया है तो 1 क्विंटल राजा को। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था, और हिणक कर अनाज के रूप में होकर नगद दिया जाता था, ठीक है। और दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिया कहा जाता था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों तक था, अर्थात जो भारत में साम्राज्य था ये मौर्य साम्राज्य, तो इनका जो व्यापार था वो फारस, रोम, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। ब्याज को रूपिका एवं परिसरण भी कहा जाता था। मेगास्थनीस के अनुसार जो एग्रोनोमाई है वो मार्ग निर्माण अधिकारी था, अर्थात सड़कों को बनाने का एक अधिकारी था एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, अर्थात जो घोड़े पर चलने वाले सैनिक थे, और लगभग 9,000 हाथी वाले और 8,000 रथ थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सैन्यपति होता था। और मेगास्थनीस के जो ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें नंबर 1 दार्शनिक, 2 किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ठीक, ये 7 वर्गों में बांटा। जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला थी उन्हें रूपा जीवा वह कहलाती थी, ठीक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था, और इसकी जो हत्या सेनापति इसकी जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। अब बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। देखिए नंबर 1 है अशोक के जो दुर्बल अधिकारियों का होना, उत्तराधिकारी के निश्चित नियमों का अभाव होना कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह कर जाना और सैनिक शक्ति का क्षीण होते चला जाना, और राज्यपालों के अत्याचार बढ़ते चला जाना फिर जा पर, और गुप्तचर विभाग का निष्फल हो जाना या उनका अभाव हो जाना, ठीक, आंतरिक विरोधों का बढ़ते चले जाना और धन का अभाव होते चले जाना, ठीक, धन का अभाव यानी धन की कमी होते चले जाना फिर जा पर, और विदेशी आक्रमणों का होना, यानी कि जब ये अफसा होगा तो विदेशी आक्रमण होंगे, ठीक है, और विशाल साम्राज्य को एक विचारधारा में ना ला पाना, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसे एक विचारधारा में लाने में भी ये नाकाम रहे। तो ये कुछ कारण थे जिससे कि मौर्य राज्य का साम्राज्य का पतन होता चला गया, ठीक। तो देखिए ये तो हमारे यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगली वीडियो में इससे आगे का जो प्रश्न है वो आपके मैं ले आऊंगा, ठीक है। यदि आपको लिखने का शौक है या आप नोट्स बनाते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमसे अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, या आप किसी भी विषय पर किसी भी टॉपिक पर कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं या लिख सकते हैं, तो आप हमें वो आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। इसे हम आपके अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे और आपकी जो इससे लिखने की क्षमता अच्छी होगी, ठीक है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे जो, या तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कक्ष में जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके अंदर लिखने की इच्छा शक्ति है और आप किसी टॉपिक पर किसी विषय पर अच्छा लिख सकते हैं, तो आप हमें वो लेख अपना पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और हम उस लेख को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से एक निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।